कराची का जो नौजवान है वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए के मोबाइल के लिए उसकी जान ले ली जाती है। सर अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए तो मेरे पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जाने के लिए, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है जो मुझे गवर्नमेंट दे, हर चीज जब हमें प्राइवेट करनी है तो ये 60% टैक्स मैं क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं वॉच कराची। आज मैं कराची के एक मशहूर शाहरा एक्सपो सेंटर से गुजर रहा था। इस एक्सपो सेंटर के पास चंद नौजवान यहाँ पर मुझे दिखे जो कराची के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, कराची को बचाने की बात कर रहे हैं, जो इदारे सो रहे हैं उनको जगाने की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कराची को तहफ़्फ़ुज़ दो उसकी बात कर रहे हैं, क्राइम को जुराइम को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। क्यों कराची में एक रेस्क्यू इदारा नहीं है हुकूमत का, उसकी बात कर रहे हैं, कराची में अमन लाने की बात कर रहे हैं, कराची को बर्बाद होने से बचाने की बात कर रहे हैं, पेट्रोल महंगा क्यों हो रहा है ये हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। कराची के जो दीवाने हैं उनसे मैं यहाँ पर बात ज़रूर करूँगा। सर आपके मुल्क का जो टैक्स है 60% टैक्स और 50% रेवेन्यू आपको कराची देता है। कराची वो शहर है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को चलाता है, पाकिस्तान के करोड़ों खानदान का कफील है, लेकिन इस शहर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों होती है? सिक्योरिटी का निज़ाम इतना बर्बाद क्यों है? इस शहर के अंदर एक अच्छा गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, इस शहर के अंदर एक अच्छे प्ले ग्राउंड नहीं है, कराची वालों के साथ ये सलूक क्यों किया जाता है? कराची वालों का पैसा आप लाहौर में लगाते हो, आप इस्लामाबाद में लगाते हो, आप गुजरांवाला में लगाते हो, कराची के अंदर एक अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद नहीं है, क्यों कराची वाले जो है वो पूरे पाकिस्तान को पाल लें, क्यों कराची वाले जो है वो इतना टैक्स देते? फिर हम टैक्स नहीं देते ना सर, हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बर्बाद कर दिया है। हमारा शहर के अंदर सिक्योरिटी का ये निज़ाम है कि कराची का जो नौजवान है वो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के मोबाइल के लिए उसकी जान ले ली जाती है। सर अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए तो मेरे पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है जाने के लिए, मुझे एंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है जो मुझे गवर्नमेंट दे, हर चीज़ जब हमें प्राइवेट करनी है तो ये 60% टैक्स मैं क्यों दे रहा हूँ, किस लिए दे रहा हूँ? सर यहाँ पर आप लोग मौजूद हैं, क्या इंसाफ मांग रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंसाफ ये मांग रहे हैं कि भाई इस शहर के साथ जो सलूक हो रहा है, जो शहर के कहते हैं हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसने क्या कहते हैं टैक्स आपको दिया, ठीक है, वो शहर जब पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई भी क्या कहते हैं हादसा हो, तूफ़ानी बारिश हो, सैलाब आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये शहर के लोग दिल खोल के ना अपनी चीज़ें दे देते हैं दूसरे शहरों के लिए, दूसरे सूबों के लिए। तो इस शहर के साथ ये सौतेला सलूक के कहते हैं क्यों किया जा रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया गया है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास बिजली का निज़ाम नहीं है, हमारे पास गैस नहीं आ रही, हमारे पास स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, रोड नहीं है, हमारे पास पार्क नहीं है, हमारे पास यहाँ पर आम शहरी भी मौजूद है और यहाँ पर जितने भी फलाही इदारों के जो कारकुनान हैं वो भी मौजूद हैं। तो यहाँ पर आने का मकसद और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि जो कराची के लोग हैं जो अब दीवाने हो चुके हैं, जो पागल हो चुके हैं, वो आया इंसाफ मांग रहे हैं तो इंसाफ देने वाले कहाँ सो रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि कराची के लिए बात की जाए और कराची के इन दीवानों की बात पर गौर किया जाए। इसी तरीके से कराची के हवाले से वॉच कराची बात करता रहेगा, चाहे इंसाफ हो रहा हो या ना इंसाफी हो रही हो, उसकी बात करना वॉच कराची का असल मकसद है। देखते रहें वॉच कराची।